यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और खबर अब हरदोई से, जहां पर एक पेशी से वापस लाया जा रहा कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसके बाद अधीक्षक ने 3 सिपाहियों को निलंबित कर दिया और पुलिस कैदी को तलाशने में जुट गई है। दरअसल मामला 2 कैदियों के हरदोई से मैनपुरी पेशी पर लेकर गए थे, लेकिन वापसी करते हुए दोनों में से एक कैदी पुलिस को चकमा देकर ट्रेन से कूद गया और फरार हो गया। और आपको बता दें कि तीनों अधिकारियों के कारागार पहुंचने से पहले ही पुलिस अधीक्षक ने सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई। तो आपको बता दें कि 3 सिपाहियों को इस मामले में निलंबित कर दिया गया है। हरदोई से ये मामला है, जहां पर अधीक्षक ने 3 सिपाहियों को निलंबित कर दिया है और दरअसल यहां पर पुलिस कर्मियों को चकमा देकर पेशी से वापस हो रहे 2 कैदियों में से एक कैदी पुलिस कर्मियों को चकमा देकर ट्रेन से कूदकर फरार हो गया और इस मामले में अब अधीक्षक की ओर से, पुलिस अधीक्षक की ओर से 3 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। कल एक विचाराधीन कैदी महेश प्रताप उर्फ गोविंद पुत्र निर्मल सिंह को मैनपुरी न्यायालय में पेशी कराने के लिए यहाँ से भेजा गया था, जिसको कांस्टेबल किशन पांडे, धर्मवीर सिंह और ब्रजनंदन सिंह ले जा रहे थे। वह पुलिस अभिरक्षा से वापस लाते समय फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन के पास से ट्रेन से कूद कर फरार हो गया। इस संबंध में तीनों कांस्टेबल्स को निलंबित कर दिया गया है तथा अभियुक्त की अपराधी के अभियोग पंजीकृत किए गए। अभियुक्त की तलाश के लिए टीम गठित की गई है।